हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है अपाचे यान। यान ये टर्म आपने कई बार सुना होगा। यान हडूप आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि ये डायग्राम आपको दिखा रहा है। यान का फुल फॉर्म है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। यान को आप अपाचे यान, हडूप यान या फिर अपाचे हडूप यान भी बोल सकते हो। बेसिकली हडूप में यान का काम है रिसोर्स को मैनेज करना, यानी क्लस्टर मैनेजमेंट करना। इसीलिए यान को हडूप का क्लस्टर मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। सो यान कैसे रिसोर्स मैनेज करता है और जॉब शेड्यूलिंग में हेल्प करता है, ये हम लोग थोड़ी डिटेल में आगे के वीडियो में जानेंगे। यान को याहू और हॉटनवर्क्स ने डेवलप किया 2012 में और यान को इंट्रोड्यूस किया गया हडूप वर्जन 2 से। यान को मैप रिड्यूस टू या फिर नेक्स्ट जेन मैप रिड्यूस भी बोला जाता है। हमने जाना कि हडूप क्लस्टर में यान का जरूरत पड़ा हडूप वर्जन 2 से, तो अभी हम लोग जानेंगे कि हडूप के वर्जन 1 में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हडूप के वर्जन 2 में यान को लाया गया। तो हडूप 1 में क्लस्टर मैनेजमेंट के लिए या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता था मैप रिड्यूस, यानी ये मैप रिड्यूस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हडूप में रिसोर्स मैनेजमेंट करना। इसके साथ साथ मैप रिड्यूस जॉब एग्जीक्यूशन, जॉब शेड्यूलिंग और जॉब मॉनिटरिंग का भी काम करता था। तो मेनली इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो मैप रिड्यूस का जॉब ट्रैकर कंपोनेंट पर ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पर समय के साथ जब डेटा का वॉल्यूम बढ़ने लगा, यानी नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ने लगे, डेटा का वॉल्यूम ह्यूज होने लगा, तो क्लस्टर में और भी ज़्यादा सर्वर का जरूरत पड़ा। सो इन सर्वर को बढ़ाने के लिए स्केलेबिलिटी का जरूरत पड़ा, मतलब हडूप क्लस्टर में को स्केलेबल करने का जरूरत पड़ा। और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, क्योंकि बढ़ते हुए क्लस्टर के साइज के साथ साथ क्लस्टर को मैनेज करना और साथ साथ परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क बन गया जॉब ट्रैकर के लिए। इसीलिए हडूप 1 में मैप रिड्यूस के लिए मेनली दो प्रॉब्लम अराइज हुआ। पहला हुआ परफॉर्मेंस बॉटलनेक और दूसरा स्केलेबिलिटी इशू, मतलब हडूप में क्लस्टर को स्केलेबल करने के साथ साथ परफॉर्मेंस को मेंटेन किए रखना मैप रिड्यूस के लिए एक डिफिकल्ट टास्क बन गया और इसीलिए हमें हडूप 2 में यान का जरूरत पड़ा। आइए समझते हैं यान ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। हडूप वर्जन 2 में परफॉर्मेंस बॉटलनेक और स्केलेबिलिटी इशू को सॉल्व करने के लिए मैप रिड्यूस के टास्क को दो भाग में बांटा गया। पहला जॉब एग्जीक्यूशन और दूसरा जॉब शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ये जॉब एग्जीक्यूशन यानी जॉब डेटा प्रोसेसिंग आप बोल सकते हो। सो इन दोनों भागों में जो दूसरा वाला भाग है यानी रिसोर्स मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग और जॉब मॉनिटरिंग, ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया यान को, जबकि डेटा प्रोसेसिंग यानी जॉब एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया मैप रिड्यूस को। तो इस तरह से मैप रिड्यूस का जो ओवर बर्डन था या फिर आप बोल सकते हो जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था मैप रिड्यूस का, वो कम होकर सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग तक लिमिट हो गया और बाकी यान एक जेनरिक फ्रेमवर्क बन गया जो कि रिसोर्स मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग और जॉब मॉनिटरिंग का काम देखने लगा। इसीलिए हडूप 2 में मैप रिड्यूस और यान दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो यान का फायदा सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट तक का नहीं है, जबकि यान के कुछ और भी फायदे हैं। समझते हैं एक डायग्राम से, स्टार्ट करते हैं। हडूप 1 में जैसा कि हमें पता है कि डेटा स्टोरेज के लिए हम लोग एसटीएफएस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, जबकि रिसोर्स मैनेजमेंट और डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग मैप रिड्यूस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। और जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले जाना कि हडूप 2 में रिसोर्स मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर दिया गया यान को, और इसीलिए अब हडूप 2 में एसटीएफएस स्टोरेज का काम करता है, यान रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है और मैप रिड्यूस बैच प्रोसेसिंग का काम करता है। तो ये बैच प्रोसेसिंग क्या है, ये जब आप हिस्टोरिकल डेटा पर प्रोसेसिंग करते हो तो उसे बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं, यानी प्रोसेसिंग का एक प्रकार है जो कि मैप रिड्यूस करता है। सो हडूप 2 में या मैप रिड्यूस के साथ साथ कुछ और प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करने लगा यान। तो प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ बैच प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं रहा हडूप, क्योंकि यान ने कुछ और प्रोसेसिंग के लिए
ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए। सो यान एक जेनरिक क्लस्टर मैनेजमेंट या फिर जेनरिक रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करने लगा, जो कि दूसरे टाइप के प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करने लगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंटरैक्टिव क्वेरीज प्रोसेस करना है तो आप तेज कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। सिमिलरली, अगर ग्राफ रिलेटेड प्रोसेसिंग करना है तो जिराफ ये कॉम्पोनेंट यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको इन मेमोरी प्रोसेसिंग को यूज़ करना है तो स्पार्क कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हो, और सिमिलरली अगर रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करना है तो स्टॉर्म नाम के कंपोनेंट को यूज़ किया जा सकता है। ऐसा ही बहुत सारे नए ऑप्शंस हडूप 2 प्रोवाइड करने लगा। इसीलिए हडूप 2 प्रोसेसिंग के लिए अब सिर्फ मैप रिड्यूस तक सीमित नहीं रहा, जबकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पोनेंट का ऑप्शंस आ गया, जो कि आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट तरह के प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने के लिए। तो ये यान का एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि हडूप 2 में यूज होने लगा और बहुत तरह के या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने लगा। हम लोग जानेंगे यान के कंपोनेंट्स के बारे में। सो यान का डिफॉल्ट 2 कंपोनेंट्स है, पहला रिसोर्स मैनेजर और दूसरा नोड मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर आप बोल सकते हो हडूप 1 में मैप रिड्यूस के जॉब ट्रैकर कॉम्पोनेंट का रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है, और नोड मैनेजर सिमिलरली हडूप के 1 वर्जन में मैप रिड्यूस के टास्क ट्रैकर की तरह काम करता है। सो रिसोर्स मैनेजर का मेन काम है रिसोर्स से रिलेटेड मैनेजमेंट करना, जैसा कि रिसोर्स एलोकेट करना, रिसोर्स मैनेजमेंट यानी रिसोर्स का क्या यूज़ हुआ है, रिसोर्स का एक्टिविटीज क्या है, ये सब मॉनिटर करना, और रिसोर्स से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसे रिजॉल्व करना। सिमिलरली नोड मैनेजर का काम है रिसोर्स मैनेजर को हार्टबीट सेंड करना, तो हर एक नोड मैनेजर में टास्क को लॉन्च करना और मॉनिटर करना, एंड अगर कोई फॉल्ट अकर होता है तो उसे रिसोर्स मैनेजर को रिपोर्ट करना। ये डायग्राम रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर के बीच के रिलेशंस को दिखाता है। तो आप देख सकते हो एक रिसोर्स मैनेजर बहुत सारे नोड मैनेजर को हैंडल करता है, और हर एक नोड मैनेजर रिसोर्स मैनेजर को अपना रिपोर्ट भेजता है। जैसा कि ये रेड वाला जो नोड मैनेजर है, ये इस पर्टिकुलर नोड में किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। आज के सेशन में हमने अपाचे यान के इंट्रोडक्शन को जाना, हमने ये भी जाना कि यान को क्यों लाया गया या फिर यान का जरूरत क्यों पड़ा हडूप 2 में, और इसके साथ साथ हमने एक डायग्राम के जरिए यान और मैप रिड्यूस का कंपेरिजन को देखा, और लास्ट में हमने ये जाना कि यान के डिफॉल्ट कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।